बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को रिहा किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी नहीं हो सकी। इसकी वजह रही मामले में रिहा किए गए एक दोषी को नोटिस नहीं मिलना, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने दोषी को फिर से नोटिस देने के साथ ही उसे अखबारों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला की पीठ ने अब दोषी के लिए गुजराती, अंग्रेजी सहित स्थानीय अखबारों में पब्लिक नोटिस जारी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम ये प्रक्रिया इसलिए अपना रहे हैं ताकि सुनवाई की अगली तारीख पर समय न खराब हो और सुनवाई आगे बढ़ सके। कोर्ट ने कहा कि अगर दोषी अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं होगा तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। बता दें कि बिल्किस बानो केस के दोषी प्रदीप आर मोंडिया को कोर्ट का नोटिस सर्व नहीं हुआ था। बिल्किस बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुजरात पुलिस ने सहयोग किया, लेकिन पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नोटिस नहीं दिया जा सका। प्रतिवादी घर पर नहीं मिला, उसका फोन स्विच ऑफ है। परिजनों का कहना है कि हमें कुछ पता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि ये केस चल रहा है। इसके साथ ही बिल्किस बानो की वकील ने दोषियों की हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने की भी मांग की। गुप्ता ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि कृपया आदेश 53 लागू करें, गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा कि दूसरा तरीका क्या है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति पूरी कार्रवाई को रोके हुए है। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद लापता दोषी को सार्वजनिक नोटिस देने का निर्देश दिया। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 2 मई को भी मामले की सुनवाई उस वक्त टाल दी थी जब कुछ दोषियों के वकीलों ने नोटिस तामील न होने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को सजा में छूट दी है, जिसके बाद सभी दोषी पिछले साल 15 अगस्त को जेल से रिहा हो चुके हैं, जिसका शुरुआत से ही विरोध हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्किस बानो की ओर से दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है।